परेशान हो रही है। और मैं इससे कहा भी चले आओ मेरे पास, तो ये कह रही कि नहीं ए, हम अपने बल पर खड़े रहेंगे। तो हमने हाँ दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है सोनी सचल में। ऐसा कहते आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत जरूरी खास बात कहने जा रही हूँ। मेरे पास फोन आया था भैया जाने कि थोड़े के थोड़े मतलब भैया को बताएं कि मैं बस्ती में थोड़ी देर अकेले ही रह रही हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे रहने वहने में, तो मुझे आ रहे हैं लेने। और आप लोग पूरा वीडियो में बने रहेगा, अभी भैया मेरे आ रहे हैं लेने, मैं उनके पास जा रही हूँ रूम पर रहने के लिए। पापा का भी कॉल आया था, सभी लोग कह रहे थे अभी मतलब मझले भैया के पास जाओ, क्या हुआ एक ही रूम है, एक ही रूम में रहो, तो क्या हुआ जब अलग रूम ले लेना फिर बाद में, तब तक उन्हीं के पास रहो। अभी मान लो दिक्कत हो रहा है तो हर चीज़ का, तो अभी सब कुछ सामान जब तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाएगा जुटा लेना, तो फिर अपना अलग रूम लेकर रह लेना। और तो हम तैयार हो गए दोस्तों, इधर बच्चे को भी तैयार कर दिए हैं, इधर देख सकते हैं आराध्या भी तैयार हो गई है, उसको भी लेकर जा रहे हैं। इधर शक्ति खेल रहा है, उसको भी लेकर जा रहे हैं। दोस्तों अपने पूरा वीडियो बने रहेगा, आ रहे हैं मेरे भैया, फ़ोन किए थे कि तैयार हो जब आ रहे हैं। रास्ते में बारिश हो रहा था दोस्तों, इसलिए रुक गए हैं। अभी जो बारिश बंद जरा तो तब तक चौक है या बारिश में ही आएंगे, गाड़ी से आना है, अभी चले आएंगे सवारी से आ रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग ये मतलब फिर कहिएगा कि मतलब अपने फिर बड़े भाभी में हो तो इसमें किसी का कोई दोस्त नहीं है, हम जहाँ हमको फिर जा रहे हैं उनके पास कुछ दिन रहेंगे, फिर अपने जगह पर चले आएंगे दोस्तों अपने रूम पर, क्योंकि हम जो काम के लिए काम भी करना जरूरी है दोस्तों। फिर उनके पास हम जाएंगे कुछ दिन रहेंगे, जितना दिन मर्जी करेगा फिर हम चले आएंगे अपने जगह पर। तो हम जा रहे हैं दोस्तों, उनका कपड़ा रख चुके हैं, इसमें आराध्या देख सकते हैं लेकर छीट बो रही है, इसमें कपड़ा खा गया है। भैया भी दो मिनट में हमारे पास आ जा रहे हैं। आ शक्ति चलो आओ आओ इधर, देख सकते हैं शक्ति है, शक्ति भी तैयार वार हो गया है। कह रहा हम नहीं जाएंगे तो कह रहे नहीं चलो साथ में, तभी चल रहा है अभी तैयार हुआ, चल रहा है कि नहीं मामा के पास है, हाँ चल रहे हो ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ताला भी मारने जा रहे हैं, जा रहे हैं ताला वाला मारने, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, फिर आएंगे हो सकेगा तो जब सब कुछ सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों भैया आ गए हैं और कह रहे हैं कि चलो अब तब तक क्या हुआ एक ही रूम है तो क्या उसी में सभी लोग रहा जाएगा, बाद में अलग तुम अपना रूम ले लेना। एक अभी चल रहे हैं, आप लोग भाभी से भी मिलवाते हैं, भैया आ गए इधर, देखिए आराध्या सरक गया कता जाता है बच्चों का कोई भी चीज़ मतलब दिखाया, इधर हमारे गाना पहन लियो। तो भैया आ गए अब हम जा रहे हैं, आओ जी शक्ति चलो ताला लमा रहे दोस्तों, फिर हम आएंगे अपने रूम पर आने के लिए कुछ दिन के लिए भैया के पास रहे, क्योंकि भाभी के जो वीडियो में चैनल पे कुछ लोग हैं गलत गलत भाभी के लोग कमेंट कर रहे हैं कि सरोज को खदेड़ दिए खदेड़ दिए, ऐसी कोई बात नहीं, हम मुझे जहाँ अच्छा लग रहा है वहीं पर रहेंगे। फिर अब मछली वाले भैया है हमारे, ये भी बस्ती में ही रहते हैं दोस्तों, और बस्ती पर हम 2 किलोमीटर की दूरी पर हम भी थे तो जाने हैं, तो आए हैं हमारे पास तो इन्हीं के पास जा रहे हैं। वैसे बताए थे कि नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन जब तक हम बुलाए नहीं थे तो नहीं हम बुलाए थे, तो हम जब बुलाए तो आ गए भैया मुझे लेने के लिए, कुछ दिन रहेंगे इनके पास फिर अपने रूम पर चले आएंगे दोस्तों। तो जा रहे हैं हम अपने पूरा वीडियो बने, अभी भाभी से चलने मिलवा रहे हैं क्योंकि मामला शांत करना है, भाभी इधर परेशान है, बड़े भैया भाभी परेशान है, मम्मी पापा लोग परेशान हो गए हैं, कुछ लोग हैं भाभी जो हमारे गलत कमेंट करके मतलब झूठ मूठ में उनके कह रहे कि अपनी ननद को खदेड़ दी, तो ननद कोई खदेड़ा नहीं है दोस्तों, और हम अपने खुशी मन से आए थे, इससे कोई बात नहीं है, अब हम फिर जा रहे हैं फिर आएंगे अपनी जगह पर फिर हम आएंगे। तो ताला मरा रहा है, ताला चाबी निकाल के दोस्तों हम आ गए हैं भाभी के पास, इधर उनकी बच्ची देखिए मोबाइल में कार्टून देख रही है, इधर एक कार्टून बैठ कर देख रही है, और इधर भाभी देखे क्या कर रही है, उधर किचन में सुल्तान का बना रही है, अच्छा बर्तन धुल रही है किचन में, तो देख सकते दोस्तों यही इनका किचन है यहाँ, और ये शौचालय है, शौचालय नहीं दिखाया जाता है दोस्तों, आए देख सकते हैं रूम है, अभी अंधेरा है लाइट नहीं बराया है, ये रूम है, तो इस रूम में रहते हैं भैया भाभी, एक ही रूम है दोस्तों, इसीलिए नहीं हम आ रहे थे जब सुने थे तो एक ही रूम है, इसीलिए हम अलग रूम ले लिए थे, कूलर है। और अभी भैया कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कहे नहीं है वहाँ पर, देख कर वैसे वहाँ का रहन सहन वहाँ पर कुछ बोले नहीं है कमरे का, अब यहाँ पर कुछ कहने जा रहे थे, वीडियो मेरा देखे हैं रोना रोते थे, इसीलिए चले आए लेने के जाने के मतलब थोड़े दूर के लिए। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों नमस्कार, और मैं वीडियो देखा तो काफ़ी परेशान हो गया, और मैं सोचा कि हमारे रहते हमारी बहन परेशान हो रही है, और मैं इससे कहा भी चले आओ मेरे पास, तो
ये कह रही कि नहीं ये हम अपने बल पे खड़े रहेंगे, तो हमने काफी ने समझा रहा था नहीं किसी तरीके से मैं मैंने मनाया तो बताएं, तो मैं गया, जाने के बाद मैं इनको लेकर आया। अब आप खुद सोचिए कि एक रक्षाबंधन भी आने आ गया है, अब मुझे कितनी खुशी हो रही है कि काफी सालों से मेरे हाथों में मेरी बहने राखी नहीं बांध पाती है। हाँ दोस्तों, बहुत दिन से हम लोग रक्षा नहीं लग रहा, काफी बार मेरे भी हाथों में मेरी भी कलाई में राखी बांधेंगी मेरी बहन। इस बात से मुझे काफी खुशी मिला और मेरे बहने भी साथ में हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं, सब ठीक है और हम लेकर आप चले आए। तो दोस्तों हम आ गए हैं, अब अच्छा लग रहा है, अब कोई कुछ कहेगा नहीं कमेंट में, अब सभी लोग खुश हो गए। भाभी के वीडियो में नहीं कोई कहेगा, बड़ी भाभी के वीडियो कमेंट में नहीं कहेगा, क्योंकि भैया भाभी के पास आ गए हैं। चल दो तीन दिन मतलब अलग रूम देख रहे थे, हमको भी अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए अब भाभी हैं तो जब तक यहीं पर रहेंगे, रक्षा बंधन यहीं पर रहेंगे, फिर मन करेगा तो जाएंगे, क्योंकि मन करेगा तो रहेंगे, जहाँ जैसे देखेंगे दोस्तों। लाइट ही अब बंद रखा तो देख सकते हैं, भाभी काम कर चुकी हैं, बर्तन तो धोने अब आ गए हम भी। इधर देख सकते हैं पानी रखी है पीने के लिए, जैसे पानी है हम पानी थोड़ा पी चुके हैं और रख दिए हैं। शक्ति अभी मोबाइल देखे लेकर बैठ गया है। अगर भाभी बहुत दिन के बाद वीडियो में आए, कुछ कहना चाहेंगी आप? हाय दोस्त, तो इधर आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे, सुख खुशी होंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारा वीडियो रोज देखते थे, हमको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम इनको भैया बोले जा कर ले आइए मेरे पास, तो गए हैं आज लिया कर आए हैं, और तो लिया कर आए अब अच्छा लग रहा है हमको। उस तरह हम इसलिए नहीं आ रहे थे दोस्तों ना, एक ही रूम है, एक रूम में कैसे कोई रहेगा यहाँ पर? देखिए मान लिया घर का निजी घर नहीं ना, तो हम जब सुने थे एक ही रूम में तब उधर ही, एक तो हम बात तो बताए वीडियो में, एक सब्सक्राइबर थे हमको रूम दिलवा दी थी, तो इसीलिए वो भी रूम में भी पूरा व्यवस्था नहीं किए थे, तो सोचे तब तक चले कुछ और व्यवस्था होता जब कर लेंगे तो फिर दूसरी रूम में हम जाएंगे। दोस्तों वहाँ पर आप लोग देखे हैं रूम का हालत किस तरह है, चारपाई भी टूटा हुआ है जो मिला है दूसरे का चारपाई, इसलिए उस पर सोते नहीं है, अगर वहीं पर खड़ियार आता है लेकिन टूटा हुआ चारपाई है, वो वाला पट्टी वाला आप लोग देखे होंगे वीडियो में, उस पर सोते हैं, नीचे बिछा कर सोते हैं। तो सारा परेशानी हमारे भैया भाभी लोग देखे तो जुना तो आ गए हैं भैया लेने के लिए, तो हम चले आए हैं दोस्तों, और हमें भी अच्छा लग रहा है इन लोग भैया भाभी के पास आकर। अब कुछ यहीं पर रहेंगे रक्षाबंधन तक, दोस्तों आप लोग जानते हैं रक्षाबंधन जो है, हम भाई इस वाले भैया को अभी कभी हम 5-6 साल से बांध नहीं पा रहे थे, और हम आते भी नहीं थे कहीं, आते जब भैया इधर ही बाहर ही हमेशा रहते थे, इसलिए नहीं आ पाते थे बांधने के लिए, भी नहीं आ पाते, भी टाइम नहीं पाते थे। अब इस बार राखी उखी बांध लेंगे, तब कहीं आना जाना रहेगा तो जाएंगे, सभी जगह आएंगे जाएंगे, ऐसी बात नहीं, हम कहीं मायका छोड़ पापा मम्मी के पास भी जाएंगे, दीदी के पास भी जाएंगे, सबके पास आएंगे जाएंगे, ऐसे आप लोग मत पूछिएगा कि अपना नैहर छोड़ दिए हैं, छोड़े नहीं, तो हम नहीं कहें कि छोड़ दिए हैं, मतलब हमको जहाँ अच्छा रहेगा दोस्तों हम वहाँ पर आते जाते रहेंगे, एक जगह नहीं रहेगा, सभी जगह आते जाते रहेंगे, बड़ी भाभी के पास भी जाएंगे और सबके पास भी यहाँ रहेंगे, कुछ वहाँ रहेंगे, कुछ दीदी यहाँ रहेंगे, आना जाना लगा। हाँ दोस्तों चारों तरफ मान लिया हमारे सब भी परिवार लोग अलग अलग रहे तो अलग अलग सभी जगह रुकेंगे, ये तो थोड़ा टेंशन होगा, तो इसीलिए हम रूम ले लेकर थोड़ा ट्राई कर लें, तो कुछ देर रूम लेकर रहेंगे, कुछ हमको काम है दोस्तों इसलिए रूम लेकर भी वहाँ रहना है, देखेंगे जैसा काम होगा तो होगा, नहीं तो इधर ही कैसे एडजस्ट करते रहेंगे चारों तरफ पर। तो दोस्तों जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा प्यास लग गया है जानते हैं दोस्तों, थोड़ा तबियत देखिए किस तरह चेहरा हो गया है, तबियत मेरा ख़राब हो गया था इसलिए, और भी चले थोड़ा आराम हो जाएगा। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे, हाँ दोस्तों भैया गए हैं उधर बाहर, कुछ खाने बनाने वाला सामान गए हैं लाने, गए मार्केट करने, कहें कि मतलब बहन इतने दिन के बाद आए हैं तो गए कुछ खाने बनाने वाला सामान वाल लेने, तो वो सब अगले वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे, तब तक ले वीडियो के यहीं पर एंड करने जा रहे हैं दोस्तों, धन्यवाद आप लोग का। देख सकते हैं दोस्तों यही रूम है भाभी का, आप लोग कह रहे थे कि भैया भाभी के पास है, भैया भाभी के पास रहते थे ये रूम का सीन जरूर आ जाता वीडियो में दोस्तों, और देख सकते हैं यही मेरी भाभी का छोटा सा रूम है भाड़े का, और यही लोग रहते हैं, अगर हम भैया भाभी के पास रहे होते तो इसी रूम में हमारा सीन उन आप लोग को वीडियो नजारा लगता, लेकिन हमारा देख सकते जहाँ पर थे कबाड़ वाड़ वाला रूम था, और ये सब भैया भाभी का कपड़ा पड़ा टंगा हुआ है, ये सब का कपड़ा पड़ा है रखा रखा हुआ है, इधर भाभी देखे बैठी यहीं पर सोती है भाभी, अगर हम वीडियो बनाए तो सब यहाँ का सीन दिखाई देता, हम वहाँ मान लीजिए हम अलग रूम लिए थे तो वहाँ का सीन ही लौक रहा था, आप लोग समझ रहे थे कि भैया भाभी के पास है,
ये सब इनका रूम देख लीजिए दोस्तों। आने वाला इसमें से दोस्तों नहाने वाला भी है, शौचालय भी इसमें लोग भाई भाई नहाते हैं। इधर देखिए आराध्या आई है, खुश हो गई है, खेल रही है। इधर देखिए इनकी मामी जा रही है बहनी को खिलाने, खेलने जा रही है आराध्या। अरे अरे देख सकते हैं दोस्तों आराध्या अपनी मामी की गोद में बैठी है, पानी पी ली, उस पर नमकीन खा रही है, पानी पी ले गया था कचौरा में, नमकीन लेकर खा रही है। हाँ यहाँ पर दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, रोज रोज कर रहे हैं। देख सकते हैं शक्ति मोबाइल लेकर घुस गया इधर, भैया सामान ला दिए हैं बनाने उनाने वाला सब्जी है। हाँ तो सब्जी है दोस्तों, खाना बनने जा रहा है, भैया जाना है, खाना उना नहीं निक से खाए हैं तो इसलिए सवेरे सब्जी आ गया बनाने के लिए, अब बनेगा अभी खाएंगे हम लोग।